दोस्तों, किडनी पेट के भीतरी भाग में स्थित होती है, इसीलिए अगर आप बाहर से इसे महसूस करना चाहोगे तब भी ये महसूस नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किडनी का आकार या शेप कैसी होती है? आपने राजमा या एक बीन तो देखी ही होगी, ठीक वैसे ही आकार की किडनी होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मत समझना कि साइज में भी वो एक राजमा जितनी होती है। लंबाई में किडनी 10 सेंटीमीटर तक लंबी, 6 सेंटीमीटर तक चौड़ी और 4 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। क्या आप किडनी का वजन जानने के लिए उत्सुक हैं? तो हम आपको बता दें कि एक किडनी का वजन 150 से लेकर 180 ग्राम तक हो सकता है। लेकिन आप इसके वजन को लेकर इसे कम ना आंकना, क्योंकि शरीर में किडनी ना हो तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही शरीर के काम करने के लिए किडनी। ये तो हो गया किडनी के बारे में जानकारी, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि किडनी का काम क्या है और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कैसे मदद करती है। मानव शरीर में बहुत से अंग हैं और हर अंग का अलग अलग काम है, और इन्हीं अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है किडनी। क्यों ये अंग इतना महत्वपूर्ण है और ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर ये अंग खराब हो जाए तो जान भी जा सकती है? दोस्तों, हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है और उस गंदगी को बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर इसे बाहर ना निकाला जाए तो शरीर बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है। तो इसी वेस्ट को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं और यही दो पूरे शरीर में सफाई का काम करती हैं। इन दोनों किडनियों में खून साफ होता है और शरीर से हानिकारक केमिकल्स पेशाब के साथ निकल जाते हैं। दोस्तों, हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि शरीर में पानी और अन्य बहुत तत्व जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस का रक्त में संतुलन बनाए रखने का काम भी किडनियां ही करती हैं। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करती है, जो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आपने जान ही लिया होगा कि शरीर में अगर किडनी ना हो या फिर स्वस्थ किडनी ना हो तो हमारे शरीर का वेस्ट बॉडी में भी रह जाएगा। आपने देखा ही होगा, जब डस्टबिन में कचरा भर जाता है और उसे बहुत दिनों तक कोई बाहर नहीं निकालता तो वहाँ पर बहुत सारी बदबू, साथ में कुछ ऐसे कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक ऐसा हमारे शरीर के साथ है। अगर शरीर को साफ करने वाला अंग ही खराब हो जाए तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ रोचक तथ्य किडनी के बारे में, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना सारा काम किडनी अकेले कैसे कर लेती है। जैसे हमारे घरों में एक्वा गार्ड लगा होता है जो पानी को साफ करता है, वैसे ही शरीर में किडनी है। ये खून को फिल्टर करती है। हर रोज 170 लीटर से ज्यादा खून किडनी में फिल्टर होता है। अगर आपकी किडनी खराब हो रही हो तब भी किडनी काम करना बंद नहीं करती और तब तक काम करती है जब तक कि वो 70 से 80% खराब नहीं हो जाती है। ना आचंकित करने वाली बात। एक और बात जो शायद कुछ लोग जानते होंगे वो ये है कि अगर किडनी ठीक रहेगी तो शरीर में जोड़ों की दर्द, हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो वो इसलिए है क्योंकि किडनी ही विटामिन डी का निर्माण करती है। दोस्तों, तो आपने जान ही लिया होगा कि किडनी है तो छोटा सा अंग, लेकिन काम करती है बहुत बड़े बड़े। स्वस्थ होगी किडनी तो स्वस्थ रहेगा शरीर। अगर खराब हुई किडनी तो फिर सोच ही लीजिए कि कैसे शरीर कचरे से भर जाएगा, और कचरे का डब्बा तो आपने देखा ही होगा कि कैसा होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर भी कचरे से भर जाए? नहीं ना। तो इसके लिए किडनी का सही ढंग से काम करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जान ही लिया होगा कि किडनी कितना इम्पोर्टेंट अंग है बॉडी का और ये क्या काम करता है।